यहाँ पे सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप की 8 to 10 पीसेस ले लूँगी। मैं इसको अच्छी तरह से वाटर में वॉश करके लिया है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। इसमें 1/2 टेबलस्पून व्हाइट पेपर ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी कलर के लिए। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून व्हाइट विनीगर ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी अपने स्वाद के अनुसार। लास्ट में मैं एक एग इसमें ऐड करूँगी। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसको ओवरनाइट मेरिनेशन के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त ना हो तो आप इसको 1 घंटे और 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं मेरिनेशन के लिए। चिकन को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने से पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे मिलाऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी। फिर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों ही यूज़ किया है, क्योंकि ये दोनों यूज़ करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। ये टिप्स ये है कि जब मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों एक साथ चिकन मिक्स कर दूंगी, फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें यूज़ करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और बहुत टाइम तक ये क्रिस्पीनेस जो है वो रहता है। कढ़ाई में 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, ऑयल यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आने शुरू हो चुका है, इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। फिर मैं इसमें एक एक पीस करके चिकन की जो पीसेस है वो मैं डाल दूंगी ऑयल में। मैं यहाँ पे फ्लेम मीडियम टू लो रखूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चिकन की पीसेस को फ्राई करूँगी। एक साइड अच्छी तरह से हो जाएगा, फिर मैं दूसरी साइड पलट दूंगी, लेकिन फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हो तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से हो जाएगा, और तो इसको बहुत ही टाइम लेकर इसको धीरे धीरे करके फ्राई करना है। चिकन को सारी साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं ऑयल से इसको निकाल कर टिश्यू पेपर में ले लूँगी। मेरा चिकन लॉलीपॉप बनके रेडी हो चुका है। तो इस रेसिपी को जरूर अपने घर पर ट्राई करना, अपने फैमिली के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहना, हेल्दी रहना और खुश रहना। बाय बाय।